सरकार की आंखों में लगातार धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। मुश्किल से 2 साल रोड को बने भी नहीं हुए, फिर से पूरा रोड खराब हो गया है और बीएनडीआर विभाग ने फिर से टेंडर पास कराकर काम शुरू करा दिया है। रोड को बनाने में निहायत ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर गाँव के लोग खासा नाराज है। अगर जल्द मामले में संज्ञान नहीं लिया गया तो अवश्य ही काम को मौके पर रुकवा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बताने की खंड फिरोजपुर झिरका के बड़े गांव पाटखोईरी से चैनपुरी बास को जोड़ने वाला डांबर रोड पर ठेकेदार द्वारा काम चलाया हुआ है। गांव के लोगों का आरोप है कि ठेकेदार रात में घटिया सामग्री डलवाकर काम कर रहा है, ताकि लोगों को इसकी भनक न लगे। गाँव पाटखोईरी के लोगों का साफ कहना है कि जो रास्ता बनाया जा रहा है वो 5 क्रम का है, वो केवल 18 फुट का ही बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, रोड के साथ साथ किसी भी तरह की बरम भी दिखाई नहीं दे रही है। लोगों ने बताया कि पहाड़ का सारा पानी इसी सड़क के ऊपर से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से रोड बहुत जल्दी टूट जाता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी लंबे समय तक तकलीफ झेलनी पड़ती है। लोगों की फोन पर मिल रही लगातार शिकायत पर मीडिया मौके पर पहुंची। जैसे ही कैमरा काम की तरफ घुमाया तो ठेकेदार वहां से 9:45 हो गया। इस कार्य का संपूर्ण एस्टीमेट जब मीडिया ने सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों से मांगा गया तो वो बचते हुए नजर आए, जिससे साफ पता चलता है कि सड़क निर्माण में धांधली की जा रही है। आइए सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं गाँव पाटखोईरी के सामाजिक लोग। क्या नाम है आपका? उमर मोहम्मद। गाँव कौन सा जी? पाटखोईरी। आज आपके पीछे हम देख रहे हैं पाटखोईरी से जो चैनपुरी के लिए जो रास्ता जा रहा है, इस पे काम चालू है। अच्छा। और लोगों का आरोप है कि यहाँ मिट्टी ज्यादा और जो रोड़ा कम डाले जा रहे हैं। हाँ। तो इसको लेकर आप कैसा देख रहे हैं भाई? इसके लिए गई है कि माटी डल रही है यहाँ पे, रोड़ा कम। हाँ, बढ़िया माल गिरना चाहिए, बढ़िया रोड बनना चाहिए और चौड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। इतना भी है, दोनों साइड नाली होनी चाहिए गांव के साथ में। हाँ, पूरा है, दोनों साइड रोड नाली रहनी चाहिए हमें। हाँ, तो अभी पूरा ना है रोड बिल्कुल भी। तो मेवात के शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहेंगे भाई, इसकी नपत होनी चाहिए, पूरा रोड होना चाहिए। रास्ता ये 5-4 क्रम को है, कहीं से हटाए ना, कम है चौड़ाई। अच्छा, बरम यहाँ है ना कुल 18 फुट है, बाकी बरम कहाँ नहीं आगी, और जबकि 27 फुट का रोड है। ठेकेदार से बात हुई आपकी? हुई बात। क्या कहते हैं? हम कस्पे टेंट फुड़वावा। वो काम तैयार हो भाई, टेंट कौन फुड़वाएगा हमें? तब ना पाया, पूरा दिया है रोड, सीधा रास्ता और देखा है कि जगह में जा रहे हो, रास्ता कहीं दाब रखा। क्या नाम है जी आपका? अरशद है जी। गांव पाटखोईरी। अच्छा, पाटखोईरी गांव से जो चैनपुरी के लिए जो रास्ता जा रहा है। हाँ जी। इस पे काम चालू है। हाँ जी। तो किस तरीके की सामग्री इस पे लगाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहोगे? इसमें जी रोड़ा गिरना था, लेकिन मट्टी गिर रही है। इसमें रोड़ा कम है, मट्टी ज्यादा है। अच्छा, आप लोगों ने ठेकेदार से नहीं कहा भाई आप लोग इस तरीके से क्यों करा रहे हो काम? उससे कहा था जी, बोल रहा बाद में आएगा, अभी ये गिरेगा वो गिरेगा, ऐसे बोल रहा था। तो ये अभी भी दो साल पहले बताया जा रहा है कि 2 साल पहले रोड बनाया गया था, फिर टूट गया है, और इसी तरीके से अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल इसमें अगर किया गया तो फिर उस दिन के बाद फिर टूट जाएगा। हमें कहा जी आम आता है बरसात का पानी, थोड़ा दिन चलता है, फिर टूट जाएगा। फिर कोई फिर 10 साल की जाएगी, 5 साल की जाएगी, फिर नहीं बनेगा ये। तो क्या कहना चाहते हो? हम तो यह कहना चाह रहे हैं जी, बढ़िया तरह बने, अच्छा माल गिरे, बढ़िया बने, जो टूटे ना। अगर इस तरीके से घटिया सामग्री अगर इस पर डलती रही और काम चलता रहा, 2 बारिश में खत्म, तो आप लोगों के लिए फिर तो वो दिक्कत है, चला जाएगा। तो ठेकेदार चला जाएगा, लेकिन हमारे लिए दिक्कत होगी ना, टूट जाएगा। तो अभी आप लोग क्या करोगे इसको लेकर? हम तो यह कहना चाह रहे हैं जी, बढ़िया माल गिरे, अच्छा बने, जो चले कुछ दिन तो चले, 2 महीना में 4 महीना में टूटे तो क्या फायदा इससे। काम करो हम पे। क्या नाम है जी? लतीफ जी। गांव पाटखोईरी। पाटखोईरी से चैनपुरी के लिए जो रास्ता जा रहा है उस पे काम चल रहा है। हाँ जी। लोगों का आरोप है कि यहाँ मिट्टी कम रोड़ा ज्यादा डाले जा रहे हैं, तो क्या कहोगे इसको लेकर? मिट्टी डल रही है जी, रोड़ा ना डल रहे और बढ़िया काम ना हो रहा, बरसात का पानी आता है इसमें, यह है मतलब ऐसा बने जो टूटे ना जल्दी, ओरिजिनल माल गिरे हम, बढ़िया
जई यार देखे आई आके जो जई से ठेकेदार से आपकी बात हुई है इसको? ठेकेदार से कोई बात नहीं हुई, ठेकेदार आता ही नहीं यहाँ। अच्छा हाँ, तो किन से बात हुई आपकी? हुई किसी से बात? किसी से भी नहीं हुई, ये जो लेबर है जी ये लग रहा है काम कर रहा जी, रात में काम कर रहा जी, रोड़ा रोड़ा वैसे ऐसे ही डल रहा है, लोकल ओरिजिनल काम ना हो बढ़िया। अगर ओरिजिनल काम नहीं हो रहा तो आप लोग जो है क्या कहना चाहोगे मेवात के शासन प्रशासन से? भाई यही कहना चाहेंगे भाई ठीक है बढ़िया बने, बढ़िया काम करे, जो ही टूटे बरसात को पानी आवे हमें फुल, रात में काम हो रहा है।